पानी लाया खेत नूं, मोदी वेच के देश नूं। पानी लाया खेत नूं, मोदी वेच के देश नूं। पानी लाया खेत नूं, मोदी वेच के देश नूं। हैप्पी सिंगला तुसी जुड़ चुके हो पहरेदार भारत न्यूज़ नाल। जिवें कि संयुक्त मोर्चे का आह्वान है, अज पूरा भारत बंद है, किसान लड़ रहे ने अपने हक्कां दी लड़ाई, अपने नस्लां फसलां दी लड़ाई, अते उसनू अज मद्देनज़र रखदे होया पूरा एक साल हो चुका है किसानी प्रोटेस्ट चलते, लेकिन जो सरकार है वह टस तो मस नहीं है। अज शहीदां नू याद करते हुए, क्योंकि पूरे 700 किसान ने वह शहीद हो चुके ने, अज पूरा भारत बंद है, जो मुसाह वाले जो इसका असर है पूरा देखने नू मिल रहा है। चक्के तक जाम ने, जो व्हीकल जिथे सी उत्थे ही रोक दिता गया है। तो साढ़े नाल मौजूद ने पिंड झुड़ी तो नौजवान वर्ग, उन्होंने गल करते हाँ कि उन्हों का इस सरकार के बेस से, इस किसानी अंदोलन के बेस से की कहना है। सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल जी। वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। किसान मजदूर एकता, जिमें कि संयुक्त मोर्चे की कॉल आई सी 27 तरीक न, असी भारत बंद करना सीगा, उन्हों की कॉल न असी मुद्दे नज़र रखते हुए अज भारत बंद किया है। 6 बजे तो लैके 4 बजे तक भारत बंद रहेगा। तो ये सानू साडे देश वालों भी भरमा हंगारा मिलेगा, तो सारे मजदूर वर्ग ने भी साथ दिता है, दुकानदारा ने भी साथ दिता, दुकाना तक भी बंद है, रोड भी जाम है। तो जिमें कोई भी रोड पर आता जो उन्होंने असं रोकते हैं तो उत्थी रोक के मान लो साडे नाल बैठते है। तो ये सरकार नू मान लो भी समझ लेना चाहिए भी सारा देश एक पासे है, किसान दे नाल हैगा, तो उन्होंने तिने काने काले कानून रद्द कर देने चाहिए है, तो किसानों का साथ देना चाहिए है। जिमें कि 2 दिन पहला जयंती सी ताऊ देवी लाल जी की, लेकिन किसान अंदोलन लोग जागरूक ने, लेकिन उत्थे भी जो लोगों का इकट्ठ सी बहुत ही ज़्यादा गिनती देखने मिले। चौधरी रणजीत सिंह की कोठी विच प्रोग्राम सी, जो इस टाइम पर BJP वालों विधायक ने, बिजली मंत्री ने, जेल मंत्री ने, उस विषय पर की कहना चाहोगे, क्योंकि उत्थे भी जो इकट्ठ सी देखो किसानों का सी। वो कट सीगा जी, किसानों का नहीं सीगा, मान लो साढ़े भी जिहड़े भी बंदे नूं लेके गए, कोई पिंड च 1-2 बंदे हुंदे हैगे, वो उन्हां नूं गप मार के लेके गए, गुमराह करके लेके गए है। उन्हां नाल साढ़े आए नाल भी गल हुई हैगी, वो कहने भी सानू इस चीज़ का पता नहीं सीगा, कुछ नूं पैसे दे के लै गए जां कुछ नूं कह दस्या नहीं गा। हुण अपना पिंडां च भरप्पा हुंदा हैगा, मान लो जे मैं कहदा भी आपां इधर जाणा, मैं जा गल दसा ना, कई वारी इन्ना मोह प्रेम हुंदा बंदा नाल बिना दस्से होए भी चढ़ जांदा हैगा, तो उत्थे जाके जो पता लग्या तो वो बंदे साढ़े पिंड वापस मुड़ के आए है उत्थों। मान लो जो उन्होंने पता लगे सानू रणजीत कौर लैके उत्थे उन्होंने रैली सी, तो उत्थों वापस भी मुड़े है, मान लो चीज़ों का भी विरोध होया पिंडां चों, विरोध देखने को मिले सानू भी, तो वो मान लो गुमराह करके लोगों इस लुट लै जाते हैं, जाए किराए पर बंदे लै जाते हैं। मान लो अजक गरीबी इन्नी हो गई, सरकार ने इन्ना वो करता भी जे हूँ आप लालच दे 200 रुपये का भी, तो बंदा मान लो नाल तुर पैंदा गा, ये चीज़ा भी देखने मिल गई हैं। इत्थे एक सवाल होर भी बहुत वड्डा पैदा हुंदा जी, भी पूरा एक साल हो चुका है ये अंदोलन चल रहा है, लेकिन अज दे दौर ते जिथे किसान अपने नस्लां फसलां दी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अज भी जो इत्थों दा वर्ग है, चाहे गरीबी दबका लगा लो, चाहे कोई बेरोज़गारी दी मार लगा लो, लेकिन अज भी अगर वो 200-200 रुपये ते विकदे ने, की लगता है फिर अंदोलन दे विच आपां जित हासिल करांगे, क्योंकि ये अंदोलन आम जन दे नाल ही है। जित तां जी आपां हासिल करांगे जी, मान लो ये तां पक्के तौर पर है जी, मान लो कि टाइम ये कर लेंगे जी, 6 महीने होर चल जाऊगा वो तो वह जी, ये तो आप जी एक ठान ही रखिए जी भी जित के, तो आप वापस जो दिल्ली तो आना तो जित के आना है जी, मान लो कि टाइम यह करे जी, सरकारों लोगों मूहे झुकना ही पैना जी, तो आने वाले टाइम से 6 महीने ला लो, साल ला लो, वो तो 2 साल लड़ना पैजूगा, तो मान लो ये सरकारों तो नियमा तो होना ही पैना, कानून भी रद्द करने पैणगे जी। ठीक, अंदोलन चल रहा है, आम जन की लड़ाई है, हर भाईचारे की लड़ाई है, बच्चों के फ्यूचर को लैके की सोच रहे हो, जिवें कि करोना के दौरान 2 साल हो चुके, स्कूल बंद ने, अज स्कूल खुले ने, तो जो अपना जो उत्साह है वह भी है ना बाहरले देशों की तरफ है कि बच्चों बाहर भेजिए, खुद भी बाहर जाके सैटल होइए, अज के हालातों के लगता है कि बच्चों का फ्यूचर इंडिया सेफ आ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਤੇ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ, ਦੋ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਫਿਕਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖਾਤਰ ਹੀ ਆਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੀ ਲਾ ਲਓ 32-33 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਲਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਜੋ ਆ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ, ਜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਰਦਾਰ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਆਉਣੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਤੀਜੀ ਆਉਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਲਹਿਰ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆ ਜੋ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ।